मिनिस्ट्रेट के लिए। अच्छा, जब उनकी ब्रांचेस यहाँ पर आती है तो हमारे जिनको जिनको हमारे मासूम अवाम पहले मासूम के दबाव में मुनाफिक के दबाव मजबूर हो जाते हैं, उस मुनाफिक उस मासूम जिन को हम अपना नजात दहिंदा समझते हैं यार, उसे लीडर भाई यार, ऐसे अंदर पाए कैसे प्रांगण। और हम बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर गलती नहीं कर रहा हूँ, उस तक और वो जब कोई पीपल्स पार्टी में जाता है, वो जब कोई तहरीक इंसाफ में जाता है, वो जब कोई नून लीग में जाता है, तो आंखें बंद करके जनाब उस गंदे तालाब के अंदर मरी हुई मछली खाने के वो टुक्की लगाता है। अरे अल्लाह के बंदो, आप उस आईएनजी स्टेटस के अंदर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल अवेयरनेस होना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी आ जाए, उम्मीद भी आ जाए, तहरीक इंसाफ भी आ जाए, रिलीजियस पार्टी सब आ जाए। जब इलाके के बाशिंदा खड़ा होता है तो उसको चाहिए कि वो अपना भी चार्टर ऑफ डिमांड बना दे, कुछ लिखे कुछ नुकात, अगर वो 10 लिखे 20 लिखे तो 5 तो हल होंगे, वो खड़े हो जाए, ठीक है जनाब मैं आपकी फला पार्टी की नुमाइंदगी के लिए करूंगा, मैं वोट ले लूंगा जनाब, मैं आपके लिए काम करूंगा, मगर आपकी पार्टी के मंशूर में गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या है, कभी किसी ने पूछा ऐसा आज तक? तो फिर हम हालात के बवर में फंसेंगे ना, जाहिर सी बात है कि तमाम तर गलती हमारी अपनी है, तमाम तर गलती हमारी अपनी है। जब हम छोटे थे इस्लामिया में ये पढ़ते थे कि अरब में शुरू में लड़कियां दफन करते थे, वहां गुरोहों में वहां कबायलों में झगड़ा, आप यकीन जाने वो 2022 में यहाँ पर आपके दरमियान आप लोगों के अंदर हमारे अंदर सब जगह वही कुछ हो रहा है। सबसे पहले उस खून को उतारे जो हमारे अंदर है, जो हम एक दूसरे छुपा रहे हैं, ठीक है। आज का माशरा ऐसा है कि अगर मैं बाबाजान से मिलूं, अगर मैं किसी और से मिलूं, तो अपने अंदर वो जाली खोल चढ़ाने में इंट्रोडक्शन करता हूं, मैं जो हूं उस पर बात नहीं करता हूं। हम मुनाफिक तरीन लोग हैं, मुनाफिक तरीन, यहां से कुछ और बोलते हैं, प्रैक्टिकल हमारा कुछ और है। तो बहुत मैं मजीद आगे बढ़ूंगा तो ऐसा ना हो कि चेयरमैन साहब नाराज हो जाए, तो कोशिश करता हूँ सीमेंटने की, तो मुझसे समेटा नहीं जा रहा। जैसे हमारे दोस्तों ने अपने मौलाना साहब ने कहा कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो अंडर प्रोसेस है, ठीक है ना, तो आप आ जाए मिल के बहुत बड़ी गैदरिंग रखते हैं, रखने के बाद जो मसाइल आपके उनमें से ठोस मसाइल गिजर के जितने मसाइल है वो सब हम कोशिश करेंगे, जो जो मसाइल अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर एड हो सकते हैं उन्हें एड करेंगे। देखे फिर वही बात, जो सरकारी मुलाजिम है उनके मफादात वहां पर है, जो सियासी लोग है उनके मफादात वहां पर है। इंकलाब इस दुनिया में जिसको रही अरस का हिस्ट्री पढ़े तो निचले लेवल के लोगों ने इंकलाब लाया, ऊपर वाले लेवल ने नहीं लाया। लेकिन कमाल ये है, जैसे मैंने किसी ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे जंगजू हैं लेकिन पॉलिसी सास नहीं है, इंकलाब लाना भी कमाल नहीं है, उसको कंट्रोल करना उसको रेगुलर करना कमाल है। तो हमें चाहिए कि मैं दूसरे की बातें नहीं करूँ, अभी ये प्रोग्राम जो आप लोगों ने बनाया इसलिए बनाया कि जो मसाइल हमारे साथ है इनके क्या किया जाए, ये है ना पुरानी उस पर नहीं जाएंगे, क्या किया जाए, कैसे हल किया जाए। हल इस तरह है, यूनाइट होना है। अच्छा, चाहे बाबाजान भाई के परचम तरह यूनाइट हो, चाहे अवामी एक्शन कमेटी के परचम तरह यूनाइट हो, ठीक है ना, मिलेंगे एक बेहतरीन जनाब गैदरिंग रखेंगे, बहुत बड़ी गैदरिंग गिलगित में रखें, जहाँ रखें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बहस होगी जनाब, इस चार्टर ऑफ डिमांड को हम किस तरह बनाते हैं, जो चीजें ऐड करते हैं। जब चार्टर ऑफ डिमांड हमारा क्लियर हो गया फिर एक एक डिमांड लेके जनाब जलसे जुलूस करना है और अवाम के अंदर जाना है, अवाम के जो छोटे छोटे मसाइल है उसे बेसिकली, तो मेरा तारुफ तो सबको है लेकिन कुछ लोगों को नहीं है, बेसिकली जनाब मैं भी पुराना नेशनलिस्ट हूँ, ठीक है ना, तो हम लोगों ने शुरू से इंटरनेशनल बातें करता है, यूएनओ यूएनसीआईपी अकाउंट होते हैं, उससे कुछ भी नहीं हुआ। इससे बेहतर था जनाब हम एक अदना सा आदमी के सामने जाते, तुम्हारी टैंकी नहीं, चलो यार चंदा करके कोशिश कर टैंकी बनाते। इन चीजों को हमने हिस्स समझा, इन चीजों को हमने बेकार समझे, हम हवा में उड़ते रहे तो अब तक हवा में मोल लिखे जमीन पर काम नहीं हुआ है, और जमीन पर काम जो कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी कर रही है और अवामी वर्कर्स पार्टी कर रही है, ये हकाई है, जमीन पर काम जमीन वाले कर रहे हैं, इलाके वाले कर रहे हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह एक बेहतरीन गैदरिंग रखे बाबाजान साहब की और चेयरमैन साहब की सरबराही में, उस गैदरिंग में बैठेंगे, बैठने के बाद जो जो मामलात हैं इन मामलात को जो ऐड हो सकते हैं ऐड करेंगे, इसके बाद टू बी कंटिन्यू हमें निकलना है, अलम लेके निकलना है, फिर जरा पहले किसी के कहने पे पीछे नहीं हटना, उसके लिए हलफनामा होगा। बातें बहुत कुछ कर देते टाइम, आई एम सॉरी।